हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती किचन सेवन में। आज हम बनाएंगे चटपटे फलाहारी आलू। फलाहारी आलू बनाना बहुत ही आसान है और ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी नवरात्रि का व्रत रखा है और आपका मन हो रहा है कुछ चटपटा खाने का, तो आप ये आलू फटाफट से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी बनाई गई रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद नहीं आती है तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे आगे भी रेसिपी देखने को मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बिना देर के रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो व्रत के लिए फलाहारी आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम आलू। इनको हमने धुलकर अच्छे से उबाल लिया था और ये ठंडे हो चुके हैं, तो अब इनके छिलके को हम छीलकर अलग कर देंगे। तो सभी आलूओं के छिलके को हमने अच्छे से छील लिया है और अब हम इनको कट करेंगे। तो चाकू से हम थोड़ा मीडियम साइज़ के टुकड़ों में आलू को कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप में कट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो हम आलूओं को मीडियम साइज़ के टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो सभी आलूओं को हमने फटाफट से कट कर लिया है। आप यहाँ पर आलूओं को लंबाई में या फिर गोल शेप में भी कट कर सकते हैं। और आलू को तीखा चटपटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़े से हरे धनिया को हमने बारीक कट कर लिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने कद्दूकस कर लिया है। और आलू को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच जीरा और 15-20 काली मिर्च लिए हैं। इनको हल्का सा तवे पर भून लेंगे, इससे हमारे आलुओं में बहुत ही बढ़िया अच्छा टेस्ट आएगा। तो जीरा और काली मिर्च को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसको ठंडा करने के बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और अब हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। घी को हमने घर पर ही अभी अभी बनाया है इसलिए पिघला हुआ है, और घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। और जीरा चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, और अदरक को हम चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। आप यहाँ पर हरी मिर्च भी डालकर भून सकते हैं, लेकिन हम हरी मिर्च को भूनेंगे नहीं, ऊपर से डालेंगे, इससे हरी मिर्च का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो इधर अदरक हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने कट करके रखे हुए थे, और आलू को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और गैस का फ्लेम हमने मीडियम किया हुआ है, मीडियम फ्लेम पर हम आलूओं को अच्छे से भूनेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक। तो अभी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे आलूओं को भूनते हुए, तो हमें ढककर नहीं भूनना है, इनको ऐसे ही खुले में चलाते हुए लगातार भून लेना है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकने लगते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं ताकि हमारे आलू थोड़े से तीखे और चटपटे बने। अगर आप हरी मिर्च कम खाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे सेंधा नमक स्वाद अनुसार। तो नमक डालकर हम आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक सब जगह अच्छे से मिल जाए, और मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए हम 2-3 मिनट तक और भून लेंगे। तो आलू को हमने 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे जीरा जो हमने पीस कर रखा हुआ था, जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जीरा और काली मिर्च का पाउडर आपको पहले ही नहीं डालना है, नहीं तो हमारे जो जीरा है वो पहले से ही भुना हुआ है, वो और जल जाएगा, फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आलू आपको लगे कि अच्छे से भुन गए हैं तभी आप जीरा डालिए। तो जीरा काली मिर्च पाउडर डालने के बाद हमने 2 मिनट तक और भून लिया है आलूओं को। तो आलू हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम डाल देंगे आलू में बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे हमारे आलू देखने में और ज़्यादा अच्छे लगेंगे और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे आलू कितने ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे फलाहारी चटपटे आलू बनकर तैयार हो गए हैं खाने के लिए। आप लोग इसे चाय के साथ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इन आलूओं के साथ में सिंघाड़े के आटे की पूरी या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इन्हें बिना व्रत के भी बना के खा सकते हैं, आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही चटपटी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।